बाड़मेर में प्री मानसून दस्तक देने के बावजूद बीते 5 दिनों से जिले में बारिश नहीं हो रही है। बादल छाए रहते हैं और बिन बरसे ही चले जाते हैं। बात करें जून माह की तो 38 mm ही बारिश हुई है। तापमान बीते कुछ दिनों से 40 डिग्री से नीचे चल रहा है, लेकिन पिछले 4 दिनों से तापमान बढ़ रहा है। तेज उमस भरी गर्मी के बाद लोग बेहाल हैं, तो मौसम विभाग 4 जुलाई से मानसून सक्रिय होने के साथ बारिश होने की संभावनाएं जता रहा है। बाड़मेर में प्री मानसून के दस्तक देने के बावजूद बीते 5 दिनों से बारिश नहीं हो रही। बादल छाए रहते हैं और बिन बरसे ही चले जाते हैं। बात करें जून माह की तो 38 mm बारिश हुई है। तापमान बीते कुछ दिनों से 40 डिग्री से नीचे चल रहा है, लेकिन पिछले 4 दिनों से तापमान बढ़ रहा है। तेज उमस भरी गर्मी के बाद लोग बेहाल हैं, तो मौसम विभाग 4 जुलाई से मानसून सक्रिय होने के साथ बारिश होने की संभावना जता रहा है। दरअसल बाड़मेर में बीते सप्ताह प्री मानसून की दस्तक के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हुआ था, लेकिन बीते 5 दिनों से आसमान में बादल छा रहे हैं, लेकिन बिन बरसे ही चले जाते हैं। प्री मानसून में बाड़मेर जिले के गडरा रोड में 1.5 इंच और बाड़मेर रामसर में 1-1 इंच बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि इसके बाद जिले में बारिश नहीं हुई है। मंगलवार को भी सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बरसात की आस लगाए बैठे लोगों को निराशा ही हाथ लगी। वहीं उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। बिजली कटौती इस उमस में आग में घी डालने का काम कर रही है। लोग पसीने से तरबतर नजर आए। बाड़मेर में पिछले साल 2023 में जून माह तक जिले में 228 mm बारिश हो चुकी थी। जिले के सभी गाँव में मूसलाधार और अच्छी बारिश हुई थी, इससे किसानों ने बंपर बुआई की थी, जबकि इस बार अब तक 38 mm बारिश हुई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। किसान बुआई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। प्री मानसून की भी जिले में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, ऐसे में किसान खेती नहीं कर पाए हैं। कुछ हिस्सों में बारिश के बाद किसानों ने खेती की है, लेकिन 70% हिसाब भी बारिश का इंतजार कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 4 जून को मानसून सक्रिय होगा। प्री मानसून राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में ज्यादा सक्रिय रहा है। अब मानसून 4 जून तक पूरे राजस्थान को कवर करेगा। पश्चिमी राजस्थान मानसून की कमजोर स्थिति बनी हुई है, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।